24, कहानी नंबर 4, सऊदी नेशनल डे। वो कहते हैं ना, खूब से खूबतर की तलाश बंदे को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो सोचा, सऊदीया का यौमुल वतनी है तो भाई इससे बेहतर क्या जगह होगी कि पहुँच जाएं हम सऊदी अरब के दारुल खिलाफा, जो के है रियाद। खैर, तैयारी भरपूर थी और हम पहुँच गए एयर शो देखने। और वहाँ जाके अभी हमने अपना माहौल लगाया ही था, गाड़ी भी सेट हो गई, झंडे भी पकड़ लिए, तो एकदम से फिज़ा में जहाज़ नज़र आए और वो कुछ ऐसे थे, ये देखें आप। सीन थोड़ा आखिर था, स्प्लिट हुआ है। अब आगे देखते हैं आप लोगों को कितना मजा आता है और आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ का यौमुल वतनी ऐसे ही होता है। हो गया तो सोचा यार, क्यों ना हम भी अपना एयर शो कर लें। जरा माहौल को ईगल व्यू से देखें। कुछ ऐसा था माहौल, आ रहा है अभी। यहां पर मैं ये भी बताता चलूं कि जो जितने भी ड्रोन शॉट्स दिए गए हैं, दीज आर एज पर द सऊदी लॉज। तो उससे फारे हुए तो कुछ तस्वीरें खींच लीं, ताकि भाई यादगार मेमोरीज भी तो रहे ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करने के लिए। खैर, उसके बाद लगी हल्की फुल्की भूख तो हम गए ऑर्गेनिक स्टोर, जो कि दरिया में वाक़ है। अब वहाँ से हमने पी कॉफ़ी और साथ में ज़ातर और बिस्कुट। अब कॉफ़ी का यहाँ पर अंदाज़ बड़ा बेहतरीन किस्म का था, यानी कॉफ़ी आप चूज़ करें उसको कंप्रेस किया जाएगा, फिर फाइनली कॉफ़ी बनाई जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉफ़ी रेडी हो गई और साथ में था गर्मा गर्म ज़ातर और बिस्कुट।
सो गाइस हम लोग आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ एंगल से कि रियाद में यौम वतनी किस तरह मनाया जाता है। रियाद जो है ये दारुल खिलाफा है सऊदी अरब का, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। आप लोगों को मुख्य चीज़ें दिखा चुके हैं, स्काई लाइन अभी अभी आप लोगों को दिखाई है, और अब हम मजीद आगे जाएंगे मजीद इंटरेस्टिंग सीरीज बनाएंगे। यौम वतनी मुबारक। अब रोड पकड़ी थी तो ये आलीशान बैटमैन नुमा गाड़ी नजर आई। यह गाड़ी तो आखिरी चीज़ थी ही थी, लेकिन जिसके अंदर बंदा बैठा हुआ था आहा फुल मूड में था। खैर उसके बाद हमने पकड़ी मेन रोड जो कि मलिक फहद रोड भी कहलाती है, जहाँ पे तकरीबन सारी बड़ी बिल्डिंग्स आती हैं और जो कि फुल ग्रीन हुई हुई थी। सो माहौल यहाँ का कुछ ऐसा था। पेट्रोल की टैंकी फुल कर लें, झंडे खड़े लगाएं और फिर घूमें, इंजॉय करें सड़कें, यहाँ की खूबसूरती यहाँ के लोगों में, और उससे भी ज़्यादा यहाँ की इंजॉयमेंट तरीक़ेकार ही टोटल मुख्तलिफ है। जगहों को ग्रीन कर दिया जाता है, झंडे लगा दिए जाते हैं, और आसान अल्फाज में ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर यौम वतनी मनाया जाता है। आपको दिखाते हैं यहाँ की मस्जिद बिल्डिंग्स जो कि यहाँ पे ऊपर हुई हुई है। बाद मूड बना कि भाई चलो जरा आतिशबाजी देखी जाए, तो व्हाट कुड बी अ बेटर प्लेस जस्ट अंडर द किंगडम टावर। अब यहाँ पे थोड़े बहुत चक्कर शक्कर भी काटे, शुगर मेला भी लगाया, और फिर फाइनली अपनी गाड़ी पार्क की, और पार्क भी किया साथ में अपना सामान भी रेडी किया जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन हैंड हो गया। अच्छा जी अभी सबका जो है वो हम किंगडम टावर पर हैं और हम वेट कर रहे हैं कि आतिशबाजी हो, और ये रहा किंगडम टावर। हजूम सारा गंदा वाला है, ट्रैफिक फुल टाइम ब्लॉक हुई हुई है, तराने शाने लगे हुए हैं, हमारी अपनी गाड़ी भी बिल्कुल सेट हुई हुई है, आप लोगों को दिखाने के लिए भी पूरे इंतजाम मौजूद हैं, तो साथ साथ उजैर भी हैं और एक नया किरदार अहमद जो कि मेरा कज़न है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो भी अंदर अपना औजार वगैरह सारा सेट कर रहा है। सो गाइस मुझे श्योर है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, फिर ट्रैफिक शैफिक सब कुछ हमने आपको दिखाया,
तो आज का यौम वतनी जो है वो आप लोगों के नाम। ऐसा हुआ है कि आतिशबाजी तकरीबन 9:20 हो गए, आतिशबाजी अभी तक नहीं हुई। और अब सवाल यह है कि क्यों नहीं हुई, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये जगह वगैरह कहीं ना कहीं हो गई है, तो अब इसको भी चेक करना पड़ेगा। तैयारी हमारी पूरी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर अंदर सारा सामान सामान बड़ा हुआ था। इसके बाद अब लोग जो हैं वो निकलने के मूड में हैं, और मूड भी थोड़ा थोड़ा ऑफ लग रहा है मुझे लोगों का यहाँ पर देख के। तो ये आप देखा तो है बार कुछ होता है तो फिर आपको दिखाते हैं और फिर इंशाल्लाह उसको फॉलो बैक करते हैं। अल्लाह हाफिज़। फारे हुए तो फिर तो कुछ तस्वीरें खींची भाई, मेमोरीज़ के लिए काम आ जाएंगी। और उसके बाद गए हम रोड के ऊपर, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया जिस तरह हमने यौम वतनी मनाया। और साथ में याद है ना पाकिस्तान उसी की तारीफ कर रहा है। अच्छा जी, तो आज आप लोग हमारे साथ रहे हैं सऊदीया का नेशनल डे बनाने के लिए। अब मजे की बात ये, सऊदीया का इंडिपेंडेंस डे नहीं होता, इनका नेशनल डे होता। खैर बहरहाल उम्मीद है आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, कुछ एरियल वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी, कुछ हल्का फुल्का शुगर मेला भी देखा होगा साथ साथ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलिए। उम्मीद है आप लोग हमारे साथ रहेंगे इसी तरह हमारी YouTube की जर्नी के साथ, क्योंकि ये सफ़र है और अंग्रेज़ी वाला नहीं बल्कि उर्दू वाला, जो हम लोग मिलके बेहतरीन तरीके से गुजारेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।